हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज विद माय पेरेंट्स। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। स्टार्टिंग टू एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करिए। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रेरणा 5347, उस पर भी जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, लेट्स गो गाइज। आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ओल्ड स्टाइल है एल्बम का। ऐसी एल्बम्स जो है वो पहले हुआ करती थी, अब तो कोई पूछता भी नहीं है इस स्टाइल को बिल्कुल भी। ऐसी एल्बम्स 19 में हुआ करती थी जो कि मेरे पास हैं अभी। इसमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटोज़ हैं जो कि अभी तक मेरे पास हैं। बहुत ज़्यादा पुरानी स्टाइल की एल्बम है, यू कैन सी दिस गाइस, बहुत अमेजिंग है ये। ऐसी एल्बम्स तो आजकल मिलती ही नहीं है। नाइस nice. इधर मत देखना, गला पट्टे था ना। सो गाइस, मामा पापा तो मेरी एल्बम्स देखने में बहुत ज्यादा बिजी हुए पड़े हैं। बहुत टाइम बाद इन्होंने मेरी एल्बम्स निकाली है बचपन की, और बहुत अच्छे अच्छे पिक्स जो हैं वो इन्होंने निकाली है मुझे दिखाने के लिए कि क्या क्या मैं करती थी बचपन में। तो देखते हैं, पूछते हैं इनसे कि कौन सी पिक जो है मेरी वो सबसे क्यूट है बचपन की। तो दोनों से पूछते हैं। चलो पहले पापा, सबसे क्यूट पिक पापा आपको मेरी कौन सी लगी है अभी तक? इधर है ना। अच्छा, कौन सी मम्मा, कौन सी आपकी? ये भी अच्छी फोटो, स्कूल में जब तू डांस कंपटीशन में गई थी। ओके, प्राइज मिला था। हाँ हाँ हाँ, ये प्रिंसिपल है ये जब सवित्री स्कूल में पढ़ती थी ना तब की बात है। ओके, तो गाइस मुझे बचपन से ही डांस का बहुत ज्यादा क्रेज है, और बचपन में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल हो गया और वैसे भी मैं बहुत करती थी। तो पापा और मम्मा ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इसमें, पर ये मैं प्राइजेस भी बहुत ज्यादा जीतती थी इसमें डांस में, और बहुत ज्यादा फेवरेट फोटो लगी है ये पापा की। तो मम्मा आपको मेरी कौन सी क्यूट फोटो लगी है बचपन की? मेरे को तो ये क्यूट लगती है क्योंकि तू डांस बहुत करती थी। जहाँ भी किसी कोई बोलता था प्रेरणा डांस करके दिखा, बाजार में कहीं भी, मतलब घर पे कोई आता था या कहीं जाती थी, ओके, वही शुरू हो जाती थी, देख कितनी अच्छी फोटो है। हाँ, तो ये जो फोटो है गाइज, ये मेरी बहुत ज्यादा, मैं छोटी थी, दो या तीन साल की होंगी। तो मैं कहीं भी, जैसे मम्मा ने कहा, कहीं भी शुरू हो जाती थी डांस करना। रास्ते में भी कोई मेरे को बोलता था डांस करके दिखाओ तो मैं स्टार्ट हो जाती थी गाइज। इतना ज्यादा शौक था मुझे डांस का। इसमें भी मैंने देखो पोज मारा हुआ है, देखो कैसे किया जी, ठुमका ठुमके लगाती थी ना, ठुमका लगा रही हूँ। तो ये वाली तेरी कंजको की फोटो है जब कंजक फर्स्ट आई थी ना। ओके, हाँ अच्छी है ये भी बहुत ज्यादा। कंजक से मुझे याद आया कि नवरात्रे गाइस आने वाले हैं। नवरात्रों में बहुत छोटी छोटी गर्ल्स को हम घर पे बुलाते हैं अपने, आप सब भी बुलाते होंगे, हम उनको पूरी छोले खिलाते हैं। तो बचपन में मैं भी जाती थी कंजकों में, और मेरे को भी बहुत सारे गिफ्ट्स और वो चुनरी जो होती है माता की वो मिलती थी। तो ये मेरी बहुत, मुझे बहुत क्यूट लगी अपनी ये पिक, इसमें मैं छोटी सी बैठी हुई हूँ। पर अब चांस नहीं मिलता यार जाने का, भी मन करता है कंजकों में जाने का, पर अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं सकते हैं। तो नवरात्रे आने वाले हैं गाइज, हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस टू यू ऑल। अच्छा, तो मेरी सबसे फनी पिक जो है वो कौन सी है? फनी पिक तो यही है जी। ओ गॉड, ये इस पिक के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बहुत ज्यादा फनी है ये। इसमें मेरा बॉय कट है और
बहुत फनी लग रही हूँ मैं इसमें, सीरियसली बहुत शरारते करती थी ना उस टाइम जब मैंने डांट के इसको बिठाया था तब थोड़ा ऐसे करके बैठी हुई है मुंह बना के इसमें मेरा बॉय कट है इसमें मेरा और मुंह भी कितना गंदा बनाया मैंने सच में गाइस, बहुत ज्यादा फनी है। सो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली को टाइम देना इज सो इम्पॉर्टेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।